एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छटाई के नाम पर हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला भोपाल शहर के दानिश नगर में देखने को मिला, जहां रातों रात 30 पेड़ों को काट दिया गया। यही नहीं, काटे गए पेड़ों को गाड़ियों से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर दिया गया और बची हुई झाड़ियों को आगे के हवाले कर दिया। पेड़ काटने का खुलासा सुबह तब हुआ जब लोग टहलने निकले। इससे नाराज क्षेत्रीय महिलाओं ने पेड़ काटने वालों पर FIR दर्ज कराने की भी मांग की है। महिलाओं ने इसके वीडियो भी बनाकर CM शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट किया है और वन विभाग के एक अधिकारी पर आरोप लगाए हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी को दानिश नगर के पार्क का तो पता ही होगा कि किन संघर्षों के बाद ये पार्क हम महिलाओं ने बनवाया था और बड़ी मुश्किलों से हमें ये पार्क नगर निगम ने डेवलप करके दिया था। आज हमारी स्थिति ये है कि किसी ने यहाँ पर 40-40 साल पुराने पेड़ देखिए काट दिए हैं। ये पेड़ कम से कम 25 से 30 पेड़ों की हत्या की गई है। अब मैं सभी पर्यावरण प्रेमियों से ये गुजारिश कर रही हूँ, सारे मीडिया कर्मी से, शासन से, प्रशासन से, कि हम महिलाओं की मदद करो। हमारे बच्चों की सामूहिक हत्या की जा रही है और इन हत्याओं के जो हत्यारे हैं उनको सख्त से सख्त, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ी पोस्ट पे हो, किसी भी प्रोफाइल पे हो, उनको बख्शा ना जाए और उन हत्यारों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए सजा मिले।